आज 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। शिमला, सिरमौर, कुल्लू के लिए अलर्ट जारी है। चंबा, कांगड़ा के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नदी नालों से भी लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी है। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है शिमला, सिरमौर, कुल्लू के लिए और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी है। एक बार फिर से जो मौसम है अपना मिजाज बदलने वाला है, अलर्ट पर है। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का यह अनुमान है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को भी इसे बचने की हिदायत दी है, लोगों को भी नदी नालों से दूर रहने की जो चेतावनी दी है। चंबा और कांगड़ा के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। एक बार फिर से अलर्ट है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है लोगों को। इसी खबर के लिए कामेश्वर शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, क्या स्थिति है वहां पे? जी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड है और बादल फटी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बीते दिन की बात की तो कुल्लू के दो जिला कुल्लू जिला में ही लगभग दो अन्य अन्य क्षेत्रों में बादल फटा, जहाँ खराला में आधी रात को बादल फटा जिसमें एक कार बह गई। वहीं दूसरी जगह बात करें तो कुल्लू जिला के रायसन के कयास्ता नाला में सुबह 3:55 पर एक बादल फटा जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, दो अन्य घायल हुए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। लगभग आधा दर्जन गाड़ियां बाढ़ में बह गई और जो एक घर वहां पर था उसे भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ। और वहीं मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने ऑरेंज अलर्ट आज प्रदेश में जारी कर दिया है तथा कहा है कि 22 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होगी। वहीं यदि बात की जाए मंडी में भी रात्रि को सराज के मिहाज गांव में एक बादल फटा जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी जो बादल फटे का सिलसिला है लगातार जारी है और लगातार हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है। वहीं लैंडस्लाइड की खबरें भी लगातार प्रत्येक क्षेत्र में आ रही। यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 53 जगह ऐसी है जहां पर अत्यधिक बड़े बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं। वहीं अभी भी 681 सड़कें बाधित है तथा फ्लैश फ्लड की बात की जाए तो 41 हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी भी लगातार नुकसान पे नुकसान हो रहा है। यदि मैं आपको बताऊं हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अभी तक लगभग 118 लोगों ने अपनी जाने गंवाई, वहीं 121 लोग घायल हुए। जल शक्ति विभाग में हिमाचल प्रदेश में लगभग 1411 करोड़ का नुकसान हो चुका है और अगर हम लोक निर्माण विभाग की बात करें तो 1261 करोड़ का नुकसान हुआ। बिजली बोर्ड में भी 1382 करोड़ का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में लगातार जो नुकसान है बढ़ता ही जा रहा है और यदि बागवानी विभाग की बात करें तो 75 करोड़ का नुकसान हुआ है, शहरी विभाग को 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में लगभग देखा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड की प्रक्रिया लगातार जारी है और भूस्खलन होते जा रहे हैं इसके कारण हिमाचल प्रदेश को अत्यधिक नुकसान हुआ। यदि मैं घरों की बात करूं तो 481 घर अभी पूर्ण रूप से टूट चुके हैं, आंशिक रूप से 3883 घर टूटे। अगर दुकानों की बात की जाए 133 और गाय लगभग 108 यानी कि पशु वगैरह जिसमें है समेत बह चुके हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में लगातार नुकसान होता जा रहा है जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर इस जानकारी के लिए।